अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अमेजिंग साइंस बुक नंबर 7। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 2। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मीन्स द फॉलोअर स्पीशी, मतलब जो स्पीशी को आगे बढ़ाए, उसे लेके जाए, उसे एक्सटिंक्ट होने से बचाए। वेजिटेटिव पार्ट्स आर यूजली फॉर ह्यूमंस, अल्लाह माइटी हैज़ मेड देम फॉर ह्यूमंस, फूड फॉर ह्यूमंस। सो वी आर गोइंग टू बिगिन वेजिटेटिव पार्ट्स। द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। दे आर मेन बॉडी, दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट। स्टेम ही सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्लांट का है, क्योंकि इसी के साथ लीव्स अटैच होते हैं जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। और इसी पे फ्लावर्स के बाद जो है वो फ्रूट ग्रो होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जो आगे फिर इसकी स्पीशी को लेके चलते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टेम। द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट बियर्स लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। Characteristics of stem, the stem is usually erect and upright, seedhi or straight hoti hai, but some stems grow horizontally along the ground like those of a strawberry plant. आपने अगर कभी स्ट्रॉबेरी प्लांट और क्रीपर्स देखे हों तो फिर आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगे होते हैं, हाइट में बहुत छोटे और शॉर्ट होते हैं। सो सम स्टेम्स आर लॉन्ग, थिन एंड वीक एज इन क्लाइंबिंग प्लांट्स, और दे आर थिक एंड फ्लैशी एज इन बल्ब्स एंड कॉर्म्स। बल्ब्स एंड कॉर्म्स जो हैं वो इसके प्लांट को आगे लेके चलते हैं, मतलब कि इसको फर्दर ग्रो करवाते हैं। जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते उनमें बल्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लीव्स एंड बड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम स्वोलन एरियाज कॉल्ड नोड्स। नोड्स आर द एरियाज विच आर जंक्शंस बिटवीन द प्लांट, द लीफ and the stem. I will show you here. These are nodes, ठीक है, ये इंटरनोड है। आपको मैं एक और पिक्चर में दिखाती हूँ। ये नोड है, ये भी नोड है, इसके बीच की जो स्पेस होती है ये इंटरनोड कहलाती है। तो आगे पढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको नोड्स और इंटरनोड्स की समझ आ गई होगी। सम स्टेम्स सच एज दोज ऑफ पोटैटोज एंड जिंजर ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड। ये हैं ये फूड, अल्लाह अलमाइटी हैज़ मेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर अनकाउंटेबल थिंग्स फॉर ह्यूमंस। सम स्टेम्स सच एज दोज ऑफ जिंजर एंड पोटैटो, मतलब अदरक और आलू। These have buds, nodes and internodes and are classified as underground stems. ज़मीन के नीचे की जो stems होती हैं उन्हें हम इसे classify करते हैं। Young stems are green because they contain chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present in the leaves of plant to absorb sunlight. These help in photosynthesis. They also have tiny holes or stomata for the exchange of gases. एक लीफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक लीफ फ्लैट होता है इसलिए उसकी दो साइड्स होती हैं। एक जो होती है वो अपर साइड होती है जो वैक्सीक्यूटिकल से प्रॉपरली कोटेड होती है, ठीक है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो स्टोमेटा से फिल्ड होती है, मतलब कि उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। अ स्टेम हैज़ अ बड एट द टिप कॉल्ड टर्मिनल बड। टर्मिनल बड्स जो होती हैं ये पौधे की लेंथ को इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि पौधे की हाइट इंक्रीज़ करती हैं। जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसमें टर्मिनल बड्स उतने ज़्यादा होते हैं। आपको मेरी बात समझ लग रही है। बाय विच द स्टेम इंक्रीजेज इन लेंथ, स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड ऑक्सिलरी बर्ड्स ग्रो ऑन द एक्सिल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। एक्सिल्स क्या होते हैं, ये है एक्सिल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीफ है, ये स्टेम है, ये बीच का जो एरिया है ना ये एक्सिल है, और यहीं पे एक्सिलरी बर्ड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। न्यू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। फंक्शंस ऑफ अ स्टेम, स्टेम हैज़ अनकाउंटेबल फंक्शंस, इट इज़ रियली वेरी नेसेसरी फॉर अ प्लांट। द स्टेम बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट। इट
स्पेसेस आउट द लीव सो दैट ईच लीव ऑब्टेन्स एयर एंड लाइट. आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं वो ऐसे जुड़े हुए हों कि जी दूसरे लीव को कोई जगह ही नहीं मिल रही. और ऐसे यूजली रेन फॉरेस्ट में होता है, ऐसे तो नहीं लीव्स होते ना, लीव्स होते हैं ऐसे. मैं आपको तो दोबारा से बना के दिखा देती हूँ. लीव्स यूँ ग्रो हुए होते हैं, यूँ स्पेसेस से. हम जैसे ड्राइंग में भी ड्रॉ करते हैं, हम उसमें स्पेस देते हैं. तो अल्लाह अलमाइटी इज़ परफेक्ट, ही मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्राम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है. फ्लोएम जो है वो लीव्स से ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू ऑल ओवर द प्लांट बॉडी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अलमाइटी हैज़ मेड दैम. एंड नेक्स्ट यू विल रीड अबाउट फ्लोएम एंड जाइलम इन द नेक्स्ट क्लासेस. इट होल्ड्स द फ्लावर्स एक्सपोज टू द एयर सो दैट दे कैन बी पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स और द विंड. पोलिनेशन भी बहुत ज़रूरी है एक प्लांट के लिए, क्योंकि ये भी एक रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, सीड्स को दूसरी जगह पर पहुँचाने का एक ज़रिया है. या बीज ले जाती हैं, इंसेक्ट्स ले जाते हैं. Photosynthesis takes place in green young stems. Some stems store food and therefore they become thick and fleshy. आपने usually अगर अदरक कभी देखा हो अपने घर में तो वो जो thick होता है, fleshy होता है, juice से full होता है. That's why it's because it contains food. So here our topic ends. Alhamdulillah, I have cleared everything. If not, then you can ask me in comments. So, Allah Hafiz.